दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों ये आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बिहार राज्य व्यवस्था से संबंधित मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में देखा गया है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि इसके बारे में आपको अच्छे से बता सकूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और सारा का सारा पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। और वीडियो पसंद आने पे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर भेजिएगा। साथ ही अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार राज्य व्यवस्था से संबंधित। देखिए यहाँ से अब हम लोग सीरीज वाइज क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चाहे वो आपके मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ जो हमारा आज का टॉपिक है वह है बिहार राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो बिहार में प्रजातंत्र की नींव काफ़ी गहरी रही है। वैशाली का गणतंत्र हो या आज का गणतंत्र, दोनों में जनप्रतिनिधियों की शासन की व्यवस्था निर्णायक रही है। और बिहार की वर्तमान राज्य व्यवस्था क्रमिक ढंग से विकसित हुई है और यह देशव्यापी राज्य व्यवस्था का एक अंग है। और पृथक प्रांत के रूप में बिहार का गठन 1911 में हुआ था, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी टॉप जो यहाँ पे पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तत्पश्चात 1919 एवं 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रांतीय शासन से संबंधित प्रावधान का बिहार के प्रशासन में भी क्रियान्वयन हुआ। और 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भारतीय संविधान की रचना आरंभ हुई और लगभग 3 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। और संविधान ने भारत के राज्य निर्धारित की और विभिन्न राज्यों के प्रशासन संबंधी प्रावधान प्रस्तुत किया। और बिहार की वर्तमान राज्य व्यवस्था इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों पर ही आधारित है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः 152 तथा 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। इस विधान के अंतर्गत बिहार में प्रथम विधानसभा हेतु चुनाव 1937 में हुआ था। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था। और आगे बात करते हैं कि राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र समान नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों, 4 महिला, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय और 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्रीय व्यवसाय जैसे कि उद्योग, बगान, भूस्वामियों, विश्वविद्यालय शिक्षक तथा भारतीय मूल के ईसाई के लिए सुरक्षित थे। और फिर आगे है 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 98 स्थानों पर विजय रही। मुस्लिम लीग 20 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गए। तो फिर आने वाला जो तथ्य है, ये सारी जो आपको दिख रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपको पूछा गया है कई बार। तो आगे है, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस हाईकमांड के आदेश पर श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के पूर्व सरकार के राजनीतिक स्वायत्त का आश्वासन मांगा और तत्कालीन गवर्नर के नकारात्मक रवैये से क्षुब्ध होकर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया और इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा गया और इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण सिंह जब कांग्रेस के नेता चुने गए थे मुख्यमंत्री पद के लिए तो उन्होंने सरकार के सामने राजनीतिक स्वायत्त का आश्वासन मांगा था, लेकिन उस समय के तत्कालीन गवर्नर के नकारात्मक रवैये के कारण श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया था और उसी के तत्पश्चात इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में सरकार बनाने का दायित्व सौंपा गया था और इस प्रकार बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री यूनुस मोहम्मद यूनुस बना था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। और उस समय प्रांतीय मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री का पदनाम प्रयुक्त होता था, यानी कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था, उस समय का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मार्च 1937 में मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, मगर उनका मंत्रिमंडल विधानसभा की ना तो बैठक बुला सका और ना ही सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथि निर्धारित कर सका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा कि उनका मंत्रिमंडल विधानसभा की ना तो बैठक बुला सका और ना ही सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथि निर्धारित कर सका। हम आगे बात करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
चलिए यहाँ पे आगे है। कांग्रेस हाईकमांड तथा गवर्नर जनरल के विचारों की सहमति हो जाने के पश्चात 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार की पहली कांग्रेस सरकार गठित हुई। सच्चिदानंद सिन्हा राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए और 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह को अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया। ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ पे है 31 अक्टूबर 1939 को भारत को विश्व युद्ध में बिना सहमति के शामिल किए जाने के मुद्दे को लेकर सभी प्रदेशीय कांग्रेस सरकार ने अपनी विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया तथा राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई। और आगे है 1939 से लेकर 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। और फिर 1935 के विधानसभा के अंतर्गत पुनः 1946 में चुनाव हुआ और पुनः अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और इस विधानसभा से संविधान सभा के लिए 39 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें डॉक्टर सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जगजीवन राम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। और फिर यहाँ पे आगे है स्वतंत्र भारत के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 330 निर्धारित की गई थी तथा एक मनोनीत सदस्य का प्रावधान था। और फिर आगे है श्री कृष्ण सिंह जी ने राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला और अपनी मृत्यु तक यानी कि 31 जनवरी 1961 तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो अभी राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये सभी तथ्य आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF फाइल डाउनलोड करना है तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको सारा PDF वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अगला वीडियो जो हमारा आएगा वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा राजव्यवस्था के मुख्य अंग के बारे में। जो राजव्यवस्था के 3 मुख्य अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उससे संबंधित अगला वीडियो होगा। तो यहाँ भी आप हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं सभी चीज़ों को, तो ध्यान दीजिएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले समय में ये आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ये वीडियो कैसा लगा कृपया जाते जाते कॉमेंट करके बताते जाइएगा। चलिए, धन्यवाद।